एक्साइटेड. ये एक बहुत ही पर्सनल प्रोजेक्ट रहा है मेरे लिए. आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ द वर्डिक्ट. हम पिछले एक साल से शूट कर रहे हैं, तो आज ये जो दिन है इसके लिए आई थिंक हम सारे कास्ट मेंबर्स बहुत ही एक्साइटेड हैं. बहुत अच्छा. आई मीन स्पेशली जब हम इस कहानी को बना रहे थे उसके दौरान और जब रिलीज़ का वक्त आया तब भी हमें एक सवाल पता था कि लोग पूछेंगे अरे ये तो बन चुकी है. तो यही हमारी कोशिश रही है कि हम इस कहानी को जितनी अच्छी तरीके से और सच्चाई से लोगों तक लेके आए और एक अलग पर्सपेक्टिव से लेके आए. आई थिंक दैट हैज़ बिन दी एंडेवर. और इसी कोशिश का जो फल है वो आज हम देखेंगे. तो आई एम रियली एक्साइटेड. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं बिकॉज ये मेरा आज तक का बहुत ही सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है. सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर मैंने किया है आज तक का. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट. कैरेक्टर के बारे में सो आई प्ले दिस कैरेक्टर कॉल्ड विद्या मुंशी. शी यू कैन कॉल हर द फर्स्ट woman to start women's movement in India and she was the first on-field journalist. ऐसी journalist जो हमेशा facts को और जो सच होता है उसे of course आगे दिखाने में और उसे showcase करने में believe करती है. So yeah, I'm बहुत excited हूँ क्योंकि अंगद actually एक बहुत dear friend है. मानव is a very great performer, so lots of perform. Swanand is a very dear friend, so I'm really looking forward. Story बहुत ज़बरदस्त है, so that's something which again the content is something which I'm looking forward to. किसकी acting की सबसे ज़्यादा excited है? I think बहुत तगड़े actors हैं, तो सबके acting के लिए मैं मतलब I'm looking forward to it. मानव हो या अंगद हो या कुब्रा हो स्वानंद हो, so looking forward to everyone. मैं अभी एक्चुअली दो शोज़ कर रही हूँ. एक नीरज पांडे के साथ एक ब्रीथ टू जो आ रहा है और एक अनुराग कश्यप के साथ पिक्चर ख़त्म हुई है, तो वो होपफुली आ जाएगी. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस शो. वी ऑलमोस्ट स्पेंट अ ईयर मेकिंग दिस शो. एक साल लग गया बनने में, तो इसलिए नहीं क्योंकि हम स्लो हैं, इसलिए क्योंकि हमने वक्त लेकर जमा के बनाया है. जो चीज़ लगी कि इसमें वक्त लगेगा तो हमने वक्त लिया है, तो इसीलिए उतनी एक्साइटमेंट भी है शो को लेकर. उनकी बेसिकली उनके जो वीडियो एविडेंसेस है वो 70 की उम्र के बाद से हैं. तो फिर मैंने कोशिश की कि एक तो उनकी बायोग्राफी है वो पढ़ी, उस ज़माने के जो केसेस वो लड़ रहे थे वो पढ़े, क्यों लड़ रहे थे वो पढ़े. फिर मुझे लगा कि इमिटेट करना जुवेनाइल होगा इस पूरी चीज़ को, क्योंकि उनके लेट 30s में उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा था, वो फिज़िकली कैसे दिखते थे, उसका बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है. तो बेहतर ये होगा कि हम उसको इंटरप्रेट करें कि वो जिस पॉलिटिकली प्रोफेशनली जिस मनस्थिति में थे उसको समझने की कोशिश करें, तब फिर हम ये इस केस में उनकी भूमिका को ज़्यादा बेहतर निभा पाएंगे. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार. मैं तो काफ़ी तब समय से पूछ रहा था कि ये जल्दी इसका स्क्रीनिंग हो, जल्दी ये आए. तो 30 सितंबर आ रही है. मैम वेरी एक्साइटेड. मकरन एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल रहा. हम लोगों ने काफ़ी एक साल से इस पर काम किया, मेहनत किया. सुभाष कपूर और एकता कपूर एक साथ आया. सशांत शाह ने गजब डायरेक्ट किया. सो आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो अभी आ रही है. एंड वेरी ऑथेंटिक, वेरी रियल एंड वेरी एंटरटेनिंग. अरे यार ये बहुत प्यार है उन लोगों को. और क्या, मुझे लग रहा है कि पूरी सीरियल बहुत अच्छी है और वेब सीरीज़, और जिन लोगों ने काम किया है बहुत मेहनत से काम किया है. क्रिएटिव टीम ने, प्रोडक्शन ने, आर्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम, क्योंकि एक पीरियड ड्रामा है, रियल ड्रामा है. एक्टर्स गजब के हैं. हमारा डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया, राइटर ने बहुत अच्छा काम किया. मुझे लगता है कि लोग ज़रूर इसको देखना चाहेंगे क्योंकि सब्जेक्ट पता है लेकिन इतना नहीं पता है जितना हमें पता है. तो भाई एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है. काफ़ी एम्बिशियस सीरीज़ है. होपफुली नाउ आई होप इट डिलीवर्स एज फार एज दी ऑडियंस एक्सपेक्टेशन. सौरभ सर हैं, मानव सर हैं, सुमित व्यास है, सोनी मैम है, स्वानानंद किरकिरे इज अ नेशनल अवार्ड विनर, मकरन देश पांडे थिएटर लेजेंड. सो आई थिंक एली अवरम, देर इज Kubra Seth, who's done so well in Sacred Games. So I feel it's a great eclectic cast. अब देखते हैं, हम सबने मिली भगत तो करी, अब इसका end result भी अच्छा आना चाहिए. And it's my first work with Ekta ma'am.
It's my first work with Subhash Kapoor. So yeah, fingers crossed, and what an amazing team, and I love that. And I hope aap sab log jo dekh rahe hain hame, please hamare show ko ek baar dekhiye aur bataiye aapka verdict kya hai. Yeah. Look here. Sir, look here. Sir, right side. Ma'am, look here. मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल है मेरे लिए. थैंक यू. या सो आई एम एक्साइटेड टू सी इट, टू वॉच इट. या एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा. हमारा डायरेक्टर सुशांत सर एक बहुत अच्छा ट्यून सेट किया है शुरुआत में. सो इट वॉज ब्यूटिफुल, वेरी प्रोफेशनल, वॉज एवरी वन वॉज हैविंग अ ग्रेट स्पिरिट, यू नो. सो या वेल, आई गॉट वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट द न्यूज़ बिकॉज़ गली बॉय इज लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज. लव दैट मूवी, सो रियली वेल डिजर्व्ड, एंड आई रियली होप दैट इट विंस.